हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको एक्स फाइव फ़ोन है, तो पोको एक्स फाइव फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र होती है, तो कैसे आप ओल्ड डाटा फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे आप ओल्ड फ़ोन का डाटा किसी भी न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे पोको फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपको जाना होगा प्ले स्टोर आइकन्स पे, तो हमारे पास ये प्ले स्टोर का आइकन आ जाएगा, तो इस पर टैप कर देना है। तो प्ले स्टोर आइकन्स हमारे फ़ोन में शो हो जाएगा। इसमें आपको बस डाउनलोड करना होगा MI मूवर ऐप्स। तो MI मूवर ऐप्स को आपको डाउनलोड करना है, जिसके ज़रिए आप ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ये आइकन आ गया है, तो आपको इसको ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो हम थोड़ी इंतजार कर लेते हैं। तो जैसे आप कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली फिर ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में ये ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में बैकग्राउंड शो करेगा। तो यहाँ से आपका ओल्ड फ़ोन का ऑप्शन आएगा एंड न्यू फ़ोन का ऑप्शन भी आएगा। तो ओल्ड एंड न्यू ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर ओल्ड पे जाएंगे। तो ओल्ड पे आपको जो ओल्ड फ़ोन है, जैसे आपको दो फ़ोन्स लेने होंगे, जैसे आप ओल्ड फ़ोन का डाटा है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको दूसरे फ़ोन में भी इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। जिस इसको ओपन करके आपको ओल्ड फ़ोन को सर्चिंग पर लगा देना है। सर्चिंग पर लगाने के बाद न्यू फ़ोन पर जाना है। न्यू फ़ोन पर जाकर आप न्यू फ़ोन के ज़रिए भी ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली इस पर जाएंगे, जो भी ओल्ड फ़ोन का नेटवर्क है उसको सर्च कर लेंगे, यहाँ पर क्रिएट करके टैप कर देना है। इससे ओल्ड फ़ोन का डाटा है उसको अपने फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओल्ड फ़ोन का डाटा आप न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे पोको फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।